Hello, my dear friends. My name is Atifa, and today we are going to understand the NCERT solution for class 7 science chapter 3, which is fiber to fabric. तो आज हम लोग ये जो सॉल्यूशन को देखेंगे ना फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का, ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा और कभी आप भूल ही नहीं सकते हो. इम्पॉसिबल होगा आपको ये भूलना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रैम्स. आप इससे फैमिलियर होंगे, नर्सरी रैम से फैमिलियर होंगे. कौन से नर्सरी रैम से? तो ये वाली नर्सरी रैम से. बाबा बाबा ब्लैक सीप, हैव यू एनी वूल? यस, 3 बैग्स फुल. ये वाला आप सुने हो ना नर्सरी रैम्स, तो इससे आप फैमिलियर हो गए. तो ये है, ये एक लिखा है आपको रैम्स. मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. ये आपको दो स्टेटमेंट लिखे हैं और इसी दो स्टेटमेंट से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे और इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना होगा. आंसर द फॉलोइंग. विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सीप हैव वूल? तो कौन सा पार्ट है ब्लैक सीप हैव वूल? देखिए कह रहा है कि कौन सा पार्ट ब्लैक सीप का है, ब्लैक सीप का जिसमें वूल है. द स्किन ऑफ द ब्लैक सीप हैज फर लाइक हेयर्स मेनली एट द बैक एंड एब्डोमेन नोन एज वूल. तो ये आपको पता ही होगा. सॉरी फ्रेंड्स, तो जो स्किन होता है ब्लैक सीप का, किसी भी सीप की स्किन ही में आपको पाया जाएगा वूल, किसी भी. तो हम आंसर लिख लिए स्किन. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम? हम लोग वाइट फ्लीस ऑफ द लैम का मतलब क्या समझते हैं फ्रेंड्स? लैम का मतलब जानते हो फ्रेंड्स? सीप की चाइल्ड को कहते हैं, सीप के बच्चे को कहते हैं लैम. ठीक है, तो वाइट हेयर्स ऑफ द लैम्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लीस. तो कह रहा है वाइट फ्लीस से क्या जानते हो, कि जो वाइट हेयर है ना लैम्स का, जो वाइट हेयर है उसे हम लोग वाइट फ्लीस कहते हैं. तो फ्रेंड्स वाइट मतलब कि ये आप जान गए, वाइट मीन्स कलर का नेम है, वाइट मीन्स एक कलर का नेम है जिसे हिंदी में हम लोग उजला कहते हैं, और फ्लीस मीन्स हो गया हेयर. सो वाइट हेयर. ठीक है, नाउ लेट्स फ्रेंड्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर और लार्वा. सिल्क वॉर्म क्या है? एक कैटरपिलर है और यह लार्वा है. तो इसमें से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो हमारा कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है, वो है फ्रेंड, जो सिल्क वॉर्म है ना वो कैटरपिलर भी है वो, और लार्वा भी है फ्रेंड्स. ठीक है, समझ गए, कैटरपिलर भी और वो लार्वा भी है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट येल्ड वूल? किससे हम लोग को वूल नहीं मिलता है फ्रेंड्स? जहाँ तक मैं बता दूँ, याक से मिल रहा है, कैमल से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है. वॉली डैग इज़ नॉट येल्ड वूल. वॉली डॉग जो होते हैं ना, नॉट येल्ड वूल. ओके, वो येल्ड नहीं करते हैं वूल को. नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? इस टर्म्स से आप क्या समझ रहे हो? रियरिंग, सियरिंग, सेरिकल्चर. तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे देख सकते हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रियरिंग होता है और सियरिंग होता है और सेरिकल्चर, तो इस सारे के डिफिनेशन दिए हुए हैं. इस डिफिनेशन को आपको याद करना होगा और समझना भी होगा. रियरिंग, ब्रिंगिंग अप, राइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड रियरिंग. रियरिंग मीन्स होता है नथिंग हुए, वो मतलब कि आप टेक कर रहे हो कोई एनिमल्स के, आप टेकिंग केयर कर रहे हो उसका. टेकिंग क्यों केयर द एनिमल्स, आप केयर कर रहे हो एनिमल्स का, तो उसी को हम लोग रियरिंग कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, सियरिंग द फ्लीस ऑफ द सीप. सीप का जो फ्लीस है अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सियरिंग. सियरिंग कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें क्या रहा है कि जो फ्लीस है सीप के, जो हेयर है वो एक थिन लेयर से रिमूव किए जाते हैं, इसी प्रोसेस को सियरिंग कहते हैं फ्रेंड्स. इतना समझ गए अब, सियरिंग आप समझ गए, रियरिंग समझ गए, सेरिकल्चर को समझते हैं. जो हम लोग सिल्क वॉर्म का रियरिंग करते हैं, रियरिंग मीन्स टेक केयर करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, इसी को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं. जब हम किसी सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं, टेकिंग केयर करते हैं,
फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, आई होप आपको ये दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। नाउ गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुड विच आर द मिसिंग एट देम। तो हम लोग ने ये इतने सारे प्रोसेसेस हैं, तो सियरिंग, फिर ब्लैंक, सॉर्टिंग, फिर ब्लैंक। फ्रेंड्स तो ये क्या है, सियरिंग है, फिर ब्लैंक है, फिर सॉर्टिंग है, फिर ब्लैंक। इसको आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से चुनना होगा। फ्रेंड्स तो जो सॉल्यूशन है वो क्या कह रहा है कि सियरिंग है, फिर उसके बाद स्कॉर्डिंग होगा, फिर सॉर्टिंग होगा, फिर हम लोग बर्ड्स को क्लियर करेंगे, फिर रोलिंग करेंगे, फिर डाइंग करेंगे। ये सारे स्टेज मैंने आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये सारे स्टेज जिसको मैंने डीपली डिफाइन किया है, तो आप मेरे लेक्चर वीडियो को देखना होगा, डायरेक्ट लेक्चर वीडियो को देख लेंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ लेक्चर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द एनी चैप्टर। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि इस सभी में से कौन सा दो टर्म है जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मॉरीकल्चर, एपीकल्चर एंड सीविकल्चर। हिंट्स, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, रियरिंग सिल्कवर्म। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा। फ्रेंड्स देखिए तो कौन सा टू टर्म्स है जो रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से, तो यहाँ पे आपको हिंट्स दिया हुआ है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवर्म्स। ये हिंट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी हिंट्स की मदद से आप इसके आंसर बनाएंगे कॉपी में। ओके फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, हिंट्स दिया है इसीलिए मैं आप इसको नहीं समझा रही और अपने से खुद बना सकते हो आप, मुझे पूरा यकीन है आप पूरा अच्छे तरीके से इसे बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है सॉल्यूशन। तो सेरीकल्चर एंड मॉरीकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो आप, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम मलबरी लीव्स का क्या है, मोरस अल्बा। अब मैच द फॉलोइंग करते हैं, स्कॉर्डिंग में क्या होता है, हम लोग सियर्ड स्किन को क्लीनिंग करते हैं। मलबरी लीव्स क्या है, सिल्क वॉर्म का फूड है। याक क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल्स है। कोकून क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर हमें ये देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन बिलो इज अ क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, यूज हिंट्स टू फिल द ब्लैंक्स स्पेसेस विद लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको पजल्स दिए हैं, पजल्स के साथ आपको हिंट भी दिए हैं, इस हिंट के मदद से पजल्स को आपको फिलअप करना है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ सारे हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट्स ये आप देख रहे हो हिंट्स, इसी सारे हिंट्स के मदद से आप इसे बना लेना, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इट्स योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है कि आपको इसे बनाना होगा। सारे एनसीईआरटी को क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगी, तो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं बचा। तो ये पजल्स जो आपको सॉल्व करना होगा, यू हैव टू सॉल्व दिस पजल्स फ्रॉम द ऑन। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हिंट्स भी दिए हुए हैं और हिंट्स जो है ना आपको ये फुलफिल कर देगा, आपके पूरे पजल्स को फुलफिल कर देगा। तो ये सारे जो सॉल्यूशन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जाम्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ये आपका फाउंडेशन बनेगा और एनसीईआरटी का ही टाइप का बेस्ड क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, हर लेवल ऑफ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी जो है ना पूरा इंडिया फॉलो करता है,
पूरा जो इंडिया में जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं वो इसी से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को आप ऐसा करो कि आप एनसीईआरटी की बुक को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ो कि जो आपको नहीं आता है। पूरे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से याद कर लो, अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो। अंडरस्टैंड कर लिए ना तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आप अंडरस्टैंड कर लिए। अगर आप नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं अंडरस्टैंड किए हो तो आपको ये बहुत मतलब कि दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप अपने ओन वर्ड में नहीं लिख पाओगे। आप ओन वर्ड में नहीं लिख पाओगे, अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वो ओन वर्ड में लिख पाओगे, ठीक है। तो आप कोई मार्क्स नहीं काटेगा आप ऑन वर्ड में लिखोगे तो, क्योंकि वो आप सही लिखे हो। ओके फ्रेंड्स, बस ध्यान रहे कि आप जो ऑन वर्ड्स में लिख रहे हो गलत नहीं हो, रॉन्ग नहीं हो। आप हमेशा राइट में लिखो, हमेशा कोशिश करो कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं टॉप करूं, हर चीज़ में टॉप करूं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो दिमाग में ये सारी चीज़ें रहते हैं तो आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बढ़ सकता हूँ आगे, ठीक है। तो ये सारे जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की मैंने लेक्चर वीडियो अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर वीडियो को समझा दी हूँ। उस लेक्चर वीडियो में मैंने सारे चीज़ को बता दिया है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस टू फॉलो, द वुल प्रोडक्शन करने के लिए व्हाट आर द स्टेजेस दैट वी हैव टू फॉलो, कौन कौन से स्टेजेस है जो हमें फॉलो करने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होते हैं कि आप लोग वूल प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेजेस है, ये भी मैंने लेक्चर वीडियो में पढ़ा दिया। और ये भी बता दिया स्टेजेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन की स्टेजेस भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए कि किस तरीके से हम लोग सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, फिर उसे डाई करते हैं, फिर उसको स्कॉडिंग सॉर्टिंग ये सारा सीप में करते हैं, फिर हम लोग कैसे उसका हेयर को रिमूव करते हैं, उसके फ्लीस को रिमूव कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ को मैंने बताया है। और वहाँ पे उसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ नोट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि नोट्स को लेकिन अगर आप समझाओगे ना तो बेस्ट होता है, ये बेस्ट वे होता है आपको समझाने के लिए। नोट से समझाना बहुत अच्छा माना जाता है, और उससे आपको एक नोट्स भी मिल गया, आप उसे लिख सकते हो। और ये सारे जो सॉल्यूशन है अगर आपको अपने ऑन वर्ड में नहीं आ रहा है लिखने के लिए तो यू हैव टू कॉपी, आप कॉपी कर सकते हो, ये सारे सॉल्यूशन को देख सकते हो। फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। Or you have to get my all notification of my channel, so then subscribe, like and share my channel to all your friends and comment me what I have to make the next video for you. Ma'am, ये आपको पता ही होगा कि मैं क्लास 7 और 8 को पढ़ाती हूँ, उसके अलावा कोई भी अभी क्लास को नहीं पढ़ा रही हूँ। जब तक 7 और 8 के क्लासेस नहीं ख़त्म हो जाते, जब तक 7 और 8 के सब्जेक्ट्स ख़त्म नहीं हो जाते, तो 7 और 8 में मैं क्या पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रही हूँ 7 में, और एक जियोग्राफी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। साइंस सान में तो यही पढ़ा रही हूँ, और 8 में लेकिन मैं हर सब्जेक्ट साइंस को ही पढ़ाऊँगी और SST को ही पढ़ाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, मैथ्स अभी फ़िलहाल में अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कब मैंने मैथ को पढ़ाया है, मैथ वाले चैप्टर्स को पढ़ाया है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे चैनल्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि मैंने क्या वीडियो बनाई है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड कमेंट मी आल्सो व्हाट यू वांट टू नेक्स्ट वीडियो फॉर मी एंड कमेंट आल्सो दैट हाउ इज़ माय वीडियो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।